नमस्कार। इंडस्ट्रियल प्लानिंग या किसी भी फैक्ट्री का सेटअप लगाते हुए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बेसिक वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन या लेबर रूम या जो भी मालिक जहां बैठना चाहिए, वो सब चीजें कॉमन है, आसान है, आप सभी लोगों को पता भी है। बात आती है मशीनरीज को लगाने की। बात आती है मशीनरीज अगर खराब है और एग्जैक्टली नहीं लगी हुई जैसे लगी हुई होनी चाहिए, उस केस में क्या करना है। बात आती है क्या हर हैवी मशीनरी साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। बात आती है कि क्या हर लाइट मशीनरी नॉर्थ में होनी चाहिए। इन सभी बातों के आंसर है नहीं। मशीनरी की फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि मशीन कौन सी दिशा में होगी। आप खुद इस बात को जज कर सकते हैं कि क्या सारी ही फैक्ट्रीज जिसके साउथ वेस्ट में मशीनरीज लगी हुई हैं वो सही हैं, क्या सारी फैक्ट्रीज जिसके नॉर्थ में मशीनरी लगी हुई हैं वो खराब हैं, क्या सारी फैक्ट्रीज जिसके नॉर्थ ईस्ट में मशीनरी लगी हुई हैं क्या वो बिल्कुल बर्बाद हैं। ऐसा नहीं होता। मशीनरी की फंक्शनैलिटी क्या होती है, अब मैं फिर से बात करूंगा रजस, सतव और तमस की। हालांकि इंडस्ट्रियल प्लानिंग में बेसिक से लेकर एस्ट्रो से लेकर हर चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सबसे बेशकीमती चीज होती है लैंड एनर्जीज सही हैं कि नहीं है। अगर सही हैं तो रजस की हैं, सतव की हैं या तमस की हैं। तो जो भी हम इंडस्ट्रियल प्लानिंग करते हैं उसके अंदर तमस वाली जगह पर आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए, रजस वाली जगह के ऊपर आपकी मशीनरीज होनी चाहिए और सतव वाली जगहों पर आपका फ्लो होना चाहिए, जैसा आपका ऑफिस है या आपके लेबर रूम्स हैं, ये सब हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीजों की प्लानिंग करी जाती है। अब बात आती है मशीनरीज को लगाने की। क्या आपकी मशीनरी का 50% से ज्यादा पार्ट राजसिक है? राजसिक का मतलब क्या है कि एक्शनेबल है। एक्शनेबल का मतलब क्या होता है, हर ही मशीनरी एक्शनेबल होगी। क्या वो कार्टपिट वाला काम करते हैं क्या, मतलब यहां से मेन प्रोडक्ट आया और उसमें कटना पिटना स्टार्ट हुआ क्या, या जो आपने मशीन लगा रखी है वो मेन प्रोडक्ट की ना होकर किसी बाय प्रोडक्ट की है। जैसे मान लीजिए कहीं पर धागा बनता है, तो जो रुई गई मशीन के अंदर, जिस मशीन के अंदर रुई जाने के बाद धागा बनना स्टार्ट हो रहा है, ये है राजसिक। अब जब वो धागा बन रहा है या वो फोल्ड हो रहा है, ये है सात्विक। और जहां वो पैकिंग होकर क्लोज हुआ, फाइनल प्रोडक्ट पे गया, ये हो गया तामसिक। इन तीनों चीजों के लिए ही मशीनरीज तो लगेंगी ही लगेंगी, पर बात ये है कि आपकी मशीनरी किस चीज की लगी हुई है, रजस की, सतव की या तमस की। इस आधार पर डायरेक्शन को नियुक्त किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या करेंगे, तो इन्हीं दिशाओं को बैलेंस करने की बात करेंगे। अगर ये दिशाएं भी बैलेंस हैं तो थर्ड लेयर आती है, उस मशीनरी को रजस, सतव या तमस में कन्वर्ट करना, कलर से, स्टड से और अलग अलग उपायों से उस एनर्जी को जो मशीन एनर्जी क्रिएट कर रही है अपने मुताबिक कन्वर्ट करना। इस कन्वर्जन से वो मशीन एक्चुअल रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इंडस्ट्रियल प्लानिंग की एक फैक्ट्री से। ये एक टेंटेटिव एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया, अभी मेरे पास कोई ग्रिड नहीं है, मैंने जाकर इस फैक्ट्री को चेक किया, ये फैक्ट्री निकल के आई हमारे पास तमस की, पर इनको ना तो यहां पर रीस्टोर करना था, ना ही ये कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जो फाइनल था। ये तो बना रहे थे जो इनिशियल था, जैसे किसी गाड़ी का पहिया बनाना, या जैसे इनिशियल रुई से धागे का प्रोसेस होना, या जैसे कपड़ा बनता है तो फर्स्ट स्टिचिंग वहां पर होना, बटन का बनना, पैकिंग होना, ये सब अलग अलग फ्लोज की बात होती है। तो ये तमस का काम, ये तमस की जगह थी, और इनको काम किस चीज का करना था, इनको काम करना था रजस का। यहां से सारा खेल स्टार्ट होता है। हम इस फैक्ट्री को सबसे पहले, इस जगह को रजस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही इस जगह को रजस में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इनकी प्लानिंग स्टार्ट करी जाती है कि जो मशीनरीज लगेंगी वो रजस की दिशाओं में लगेंगी। अब मैं टेंटेटिव तौर पे बताता हूं कि रजस की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक, ये सारी रजस की दिशाएं होती हैं। यहां पर अगर आप मशीनरी लगाओगे और फैक्ट्री की लैंड को
राजसिक में कन्वर्ट कर दोगे जो कि तामसिक थी, तो ये फैक्ट्री चलने लगेगी और इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरीके से आपको रजस, सतव, तमस, लैंड एनर्जीज और इन सभी चीजों के हिसाब से एक फैक्ट्री का सेटअप लगाना होता है जो आपको एक फाइनल आउटपुट, एक बढ़िया आउटपुट निकाल के देता है। ये सारे स्टेप्स कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपने लैंड एनर्जीज के हिसाब से लैंड को सिलेक्ट किया। अगर लैंड सिलेक्ट हो चुकी है तो उस केस में आपने ये चेक किया कि जो प्रोडक्ट ये बनाने वाले हैं क्या ये लैंड उसके हिसाब से है या नहीं, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो मशीनरीज कब कैसे कहां लगेंगी, मशीनरीज भी लग गई तो बेसिक के हिसाब से इनका ऑफिस कहां बनेगा, इनके टॉयलेट्स कहां बनेंगे, इनके एंट्रेंस कहां होंगी। लेकिन इस बार जो बेसिक्स है वो लास्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। ये होती है इंडस्ट्रियल प्लानिंग, जिसके लिए आपको मशीनरीज को और लैंड को इक्वली समझते आना जरूरी है। तो आप सभी के लिए इंडस्ट्रियल वास्तु का प्रोसेस आसान बनाने के लिए हमारा कोर्स जनवरी में, प्रॉपर इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स जो कि 21 केस स्टडी पर निर्धारित होगा, बेस्ड होगा और 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें जुड़ सकते हैं और एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल वास्तु या वास्तु फॉर इंडस्ट्रीज सीखकर एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। धन्यवाद।